बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि हम शुरू कहाँ से करें स्टॉक मार्केट का। कि हमने अकाउंट तो ओपन करवा लिया है, अब हमें बताएं कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कौन सी कंपनी चूज़ करनी है, किस में ट्रेड करनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ी एडवाइस ये देनी है कि पहले दो चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले फंडामेंटल देखने हैं किसी भी कंपनी के, और फिर टेक्निकल्स देखने हैं। फंडामेंटल्स पहले देखने हैं और टेक्निकल बाद में देखने हैं। फंडामेंटल में तीन चीज़ें आती हैं किसी भी कंपनी के। आप फंडामेंटल्स देखने, उसमें तीन चीज़ें देखेंगे। उसकी आप बैलेंस शीट देखेंगे, उसकी आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट देखेंगे, और उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको क्वार्टरली बेस पे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जो तदावल है उस पर हर कंपनी की अवेलेबल होती हैं। तो आप वहाँ पर जाएंगे और इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करेंगे जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, और उस कंपनी की आप ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव में है, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में है तीनों चीज़ें। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो फिर आप उसके टेक्निकल्स देखेंगे। टेक्निकल्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निकल्स में मूविंग एवरेज आ जाती है, टेक्निकल्स में ट्रेंड्स आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाती है। वो तो एक थोड़ा सीखने की चीज़ है, थोड़ा टाइम लग के आएगा। लेकिन आप अकाउंट, आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखें सबसे पहले। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट पढ़ना सीखें, और फिर आप उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें। ये तीनों चीज़ें अगर आपने पढ़ना सीख ली और आपको पता चल गया कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 कंपनीज़ की ये चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से आपके पास दो तीन सेलेक्ट हो जाएंगी। आप फिर दो तीन के आप टेक्निकल्स देखेंगे। तो पहले आप ये तीन चीज़ें देखेंगे किसी भी कंपनी की, और एक कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, चार पांच कंपनी। उसके बाद टेक्निकल्स देखेंगे। देखें अगर किसी के फंडामेंटल वीक हों और उसका टेक्निकल अच्छा हो, तो वो हो सकता है कि वो टेक्निकल्स को फॉलो ना करे। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो टेक्निकल को फॉलो करती है। और अगर मार्केट उसका साथ दे, तो मार्केट जैसे कोविड वगैरह आ जाए, तो हो सकता है कि वो टेक्निकल्स पे ना चले। लेकिन अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, मार्केट अच्छी है, नॉर्मल सरकमस्टांसिस हैं, तो वो अपने ट्रेंड पे चलेगी। और ख़ास तौर पे सऊदीया में जहाँ बहुत स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे मार्केट अपने टेक्निकल्स पे चलती है। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि पहले आप फंडामेंटल्स सीखें और फिर टेक्निकल्स। ये तमाम चीज़ें आपको जो कंपनी होती है उसकी वेबसाइट पे भी होती हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की जो अपनी वेबसाइट है उस पे भी ये कंपनीज पोस्ट करती हैं अपनी PDF फाइल्स में, तो आप इनको भी ले सकते हैं। ठीक है,